हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल सीरीज का पार्ट 6। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास कि मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। जैसे हमने एटॉमिक मास निकाला था, एक एटम का मास निकाला था, जैसे कार्बन का जो मास निकाला था वो 12U। ऐसे ही हीलियम का मास हमारा जो निकला वो 4U के आसपास निकला था। तो मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है? सम ऑफ मास ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स का मास को ऐड कर दो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। जैसे कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना? 16 × 2। दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन होते हैं, तो मास कितना निकलेगा इसका? 12 + 32 और ये 44U। हमारा क्या? मॉलिक्यूलर मास। आज का जो मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक की बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट ये कि अगर भाई हमें एटम का मास निकालना, अब तक हम जो एटम का मास निकालते आ रहे थे ना वो कंपेरेटिव निकाल रहे थे। भाई एक एटम का मास हम यूनिट में निकालते हैं, यूनिफाइड मास निकालते हैं। जैसे कार्बन का मास है, कार्बन का मास हमने 12U लिखा था, तो यू का तो मतलब भाई हमें कोई डिजिट भी नहीं पता उसको, तो हम एक कार्बन के एटम का मास 12U बहुत छोटा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, तो इतना छोटा है। फिर ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू की जरूरत है जिसको हम यूज भी कर पाए किसी जगह पर। तो क्या हुआ, जैसे कार्बन का मास है से H2O का मास निकाले तो भी 18U निकल रहा है। H2O जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18U निकलेगा, पर हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत थी या फिर एक ऐसे मास की जरूरत थी जो हमारे समझ में आए। U हमें कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल चीज वाली बात नहीं लगती भाई कि कोई प्रैक्टिकली हम इसको देख पाए या फील कर पाए, ऐसा हमें नहीं लगता। 18U हमारे पास 18U पानी है ना। अगर भाई मेरे पास 5 मॉलिक्यूल है H2O के, तो मेरे पास 90U पानी होगा। 90U का मतलब क्या था? 90U मुझे समझ में भी नहीं आता, तो ये है क्या? तो हमें कुछ ऐसे चीजों की जरूरत है जिससे सारी बातें क्लियर हो और जो फील भी आए भाई मास हमारे पास इतना मास है इतना। तो क्या है, तो मोल आया, एक नंबर आया मोल। और मोल में क्या था, एक एवोगैड्रो थे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, उन्होंने एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया, उस नंबर की वैल्यू थी 6.022×10⁻². उन्होंने ये और क्या था, इस नंबर को बोला 1 मोल। ये नंबर किसके इक्वल था? 1 मोल के इक्वल था। जैसे 1 डजन है, अगर एक दर्जन की बात करूं मैं तो उसमें 12 चीजें होती हैं। एक दर्जन कुछ भी हो, एक दर्जन केले हो, एक दर्जन बुक्स हो, एक दर्जन मार्कर है, कुछ भी है, एक दर्जन या 1 डजन मतलब 12 चीजें। ऐसे 1 मोल को डिफाइन कर दिया गया, 1 मोल इज इक्वल टू इतनी सारी चीजें। अब इतनी सारी चीजें तो हो नहीं सकती, एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, जितनी जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या होगा, वो 1 मोल होगा। इतने सारे मॉलिक्यूल हुआ, इतने सारे एटम्स हो गए, तो वो क्या हुआ, वो 1 मोल होगा। और इस 1 मोल की एक और खास बात थी, ये रिलेटिव था। रिलेटिव कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब क्या, सिंपल से बात है, बहुत ही सिंपल से बात में समझा रहा हूं। इफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास अगर 12U है, मैंने भी कंपेयर किया था इसको कि 12U निकला था कार्बन के एक एटम का मास 12U, तो अगर एक एटम का मास 12U है तो मजे की बात क्या थी
कि मास ऑफ 6.022×10⁻²23 एटम्स का मास, एटम्स ऑफ कार्बन, तो इनका मास कितना था, 12 ग्राम निकला। यू को तो देख नहीं सकते, यू तो फील भी नहीं होता, पर 12 ग्राम तो हम फील कर सकते हैं, 12 ग्राम देख भी सकते, 12 ग्राम थोड़ा सा होगा जितना भी होगा, पर 12 ग्राम को महसूस कर सकते, फील कर सकते, 12 ग्राम। तो अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, मेरे पास 12 ग्राम कार्बन किसी भी फॉर्म में, तो 12 ग्राम अगर मेरे पास कार्बन, तो उसमें कार्बन के इतने सारे एटम्स होंगे जिन एटम्स को हम देख भी नहीं सकते थे, जिन एटम्स को हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते थे, उन एटम्स को हमने काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया एक फिक्स क्वांटिटी में। अगर इतना 12 ग्राम है तो मेरे पास इतना हो। ऐसे ही अगर इफ अगर मेरे पास भाई, अगर मैं ले लेता हूं, मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन का एक एटम है उसका मास अगर 16U है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U ही होता है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के 6.022×10⁻²23 एटम्स का मास 16 ग्राम होगा। ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स का मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा, यही हमारा मोल था। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एक मोल का मास, एक मोल का मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा। जैसे भाई मैं 12 चीजें बोलूं या एक दर्जन बोलूं, 12 भी बोल सकता हूं और एक दर्जन भी बोल सकता हूं, दोनों सेम चीजें। ऐसे ही ये नंबर बोलूं 6.022×10⁻²23, ये नंबर बोलूं या फिर 1 मोल बोलूं, बात है कि एक मोल में इतनी सारी चीजें होती हैं, चीजें मतलब अभी हम एटम्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स के आयन्स की बात करें, तो वो हमारी चीजें आयन्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक मोल में इतना सारा होगा ऑक्सीजन, अगर मेरे पास एक मोल ऑक्सीजन, मतलब एक मोल ऑक्सीजन होने का मतलब क्या कि मेरे पास इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 6.02, फिर 20 बार जीरो लगा दो उसके बाद, बस बाद में वैल्यू और भी आती है, 6.0227 फिर वैल्यू और भी लंबी आती है, लेकिन हमें इतनी लंबी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, इतना भी लिखोगे तो बहुत है। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में इतना है बस, क्या है कि अगर एटम से जो मैं यू है, यू को मैं बस जी में रिप्लेस करना है, यू को हमें रिप्लेस करना है जी से, तो एक एटम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोल में। एटम का मास है ना, एटॉमिक मास वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोलर मास, क्योंकि मास निकाले किसका, मोल का निकाल, तो ये जो एटॉमिक मास है ये मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट। इसमें एक दो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसे और बातें क्लियर होंगी, समझते हैं इसको। क्या है कि अगर मेरे पास इफ मास ऑफ H2, मास ऑफ H2 मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, एक मॉलिक्यूल भाई पानी का ना, पानी हिमर पानी, H2 पानी होता है, तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास अगर कितना होता है, इफ भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा ही होता है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल भाई पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 18U समझ में नहीं आया, 18U कितना पानी, एक मॉलिक्यूल वो तो दिखाई भी नहीं देगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O के एक मोल का मास 18 ग्राम होगा। कहने की बात क्या है कि बात का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी एक बोतल में, छोटी सी बोतल में 18 ग्राम पानी है, तो उस 18 ग्राम पानी में H2O के एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं। मैं इसको लिख भी देता हूं, क्या अगर 18 ग्राम अगर मेरे पास है, मतलब अगर भी लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऐसा ही है, अगर 18 ग्राम पानी में
18 ग्राम पानी में एक मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? H2O के, मतलब वाटर के। इसका मतलब क्या हो गया? 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी में 6.022×10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? पानी के। किसके होंगे? पानी के। इतने सारे मॉलिक्यूल्स में, इसको अगर नंबर को मैं लिखना चाहूं तो 6022×10⁻⁵, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। मतलब 18 ग्राम पानी को हम ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा पानी होगा 18 ग्राम, तो 18 ग्राम पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, जो कि हमारे काउंट भी नहीं कर सकते, हमें तो इतनी काउंटिंग भी नहीं आती। पर देखिए इतने सारे, बहुत बड़ा नंबर, सिर्फ 18 ग्राम पानी में है। हमारे पास तो पानी बहुत, मतलब तो लीटर में हम पानी को मेजर करते हैं, एक लीटर पानी का वेट करीब करीब 1 किलो के आसपास रहता है, तो 1 किलो पानी में सोचो कितने सारे होंगे, तो सिर्फ 18 ग्राम पानी में थे। ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास, ये जो मैंने मोल का मास निकाल दिया, ये मोलर मास, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, और ये मोलर मास है। इससे ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, इसके बाद हमें कुछ नहीं निकालना भाई। अब क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, अगर H2O के एक मोल का मास 18 ग्राम है, अब या फिर मेरे पास 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी में भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, तो 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी में मेरे पास कितने सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, है ना, कितने सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ये नंबर लिखना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं, नंबर ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा। तो देखो अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी, तो 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, तो भाई मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 मॉलिक्यूल में 4 होंगे, 3 मॉलिक्यूल में 6 होंगे, 3 अगर 3 मॉलिक्यूल होते मेरे पास H2O के, अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल होते तो उसमें 6 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, इतने सारे हैं, तो 2×6.022×10⁻²³ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ना कि एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो इस मोल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल नंबर पता चलेगा 18 ग्राम पानी में कितने। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान था, समझोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इस पे भी देखो क्वेश्चन करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जैसे क्या हीलियम, मेरे पास हीलियम गैस है, और हीलियम गैस है मेरे पास, अब बोले भाई हीलियम गैस का क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। भी मेरे पास 52 ग्राम हीलियम गैस, तो उसमें कितने सारे एटम्स होंगे हीलियम के, तो क्या हो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है हीलियम, ये बिल्कुल मॉलिक्यूल है, बेटर भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, हीलियम के 1 एटम मास होता है 4U, तो 1 मोल का मास कितना होगा 4 ग्राम। एक एटम का मास अगर 4U है, तो मोल में मैंने कन्वर्ट किया, तो मैंने क्या किया, सिर्फ U को जी में सिर्फ कन्वर्ट किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एटम को मोल में कन्वर्ट किया, यू को जी में कन्वर्ट किया, तो 1 मोल का मास 4 ग्राम है, तो 52 ग्राम में कितने होंगे, सिंपल सी बात भी, 4 ग्राम में 1 मोल है, 4 ग्राम में 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 1/4 मोल। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो पहले 1 ग्राम का निकाल लो,
अब दोनों तरफ 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 दोनों तरफ 52 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ गया 52 ग्राम और 1/4 इंटू 52 मोल्स होंगे, इट इज 4 13 52, तो 13 मोल्स होंगे। 13 मोल्स का मतलब क्या हुआ, 13 इंटू और मोल की वैल्यू वही 6.02 × 10³³ एटम्स, तो है हीलियम के कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर बेसिक लिए जाएं, बेसिक क्वेश्चन लिए जाएं, जैसे मेरे पास कुछ पानी है, कोई पानी का अभी तक 18 ग्राम पानी लिया था, 18 ग्राम पानी में 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, मेरे पास 90 ग्राम पानी है, अगर मेरे पास 90 ग्राम पानी है तो 90 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे, 5 मोल्स होंगे, है ना, 90 क्यों ले, मैंने तो 80 लिया, 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, या 80 ग्राम ऑफ वाटर में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो हम पहले निकाल रहे 80 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, 80 ग्राम पानी में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स देखते, तो वही 18 ग्राम वाटर मतलब क्या हुआ, 1 मोल, 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल, तो 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1/18 मोल्स, या 1/18 मोल, तो दोनों तरफ वही 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 ग्राम वाटर में कितना होगा 80/18 मोल, काटेंगे कटेगा 2 9 18 240 जा, तो 40/9 क्लियर, 40/9 आगे काटना चाहिए तो 9 1 9 और 9 4 36 बचे कितने 6, 9 7 9 6 54 4.6 अप्रोक्स 4.6 मोल्स होंगे, 4.6 मोल्स होंगे, तो 4.6 मोल्स है मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भाई, 4.6 इंटू मोल की वैल्यू रखो, मोल की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ ये क्या 6.02 × 10³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, पता नहीं क्या है, अभी भी क्वेश्चन बना था, अभी भी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर दो, तो ये तो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास 80 ग्राम वाटर में, ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही एटम्स होंगे हमारे ऑक्सीजन के, जितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, अगर हाइड्रोजन के एटम्स पूछते हैं तो एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इतने सारे में क्या होंगे इंटू टू भी हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन शायद मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स पूछना मुझसे और वीडियो फिर दोबारा से देखना, तो मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।